हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अक्सर हम लोगों की कुर्ती की साइड इस तरह से फटी हुई होती है, यानी कि फट जाती है पहनने निकालने में, जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है। तो इसको किस तरह से सिलाई करें कि ये ना फटे। तो हमने अपनी कुर्ती की एक साइड के चाक को फोल्ड कर लिया है, दूसरी साइड का चाक हम फोल्ड करके वो भी दिखाएँगे कि किस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से फोल्ड करके मशीन में अपने इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद हम बिल्कुल कपड़े को जहाँ हम फोल्ड करेंगे उसी के सामने कपड़े को फिर इस तरह से रखेंगे। हमें कपड़े को खींचना नहीं है, ना बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है, ना खींचना है। इस तरह से नॉर्मल तरीके से हमें सिलाई करना है और पीछे हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ये ध्यान रहे कि चाक को फोल्ड करते वक्त हमें पीछे खींचना नहीं है कपड़े को। अब चाक के पास से हम यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे और फिर सारे जितने एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब हम हल्के हाथों से इसे सिलाई करेंगे। आगे भी हमें कपड़े को नहीं खींचना है और पीछे भी हमें नहीं खींचना है। अगर आपका चाक यानी आपकी कुर्ती का घेर ज़्यादा हो, यानी कि अम्ब्रेला कटिंग में हो, और आपको चाक इस तरह से फोल्ड करना हो, तब आपको चाक थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपड़े को फोल्ड करते हुए फोल्ड करना मतलब सिलाई करना होगा। और अगर कुर्ती आपकी सीधी हो तब आप पूरा एक बार में शुरू से लेके एंड तक आप एक ही बार में इस तरह से पकड़ के सिलाई कर सकती हैं, जिस तरह से मैंने बताया है। तो हमने आगे वाले चाक को फोल्ड कर लिया है। अब पीछे वाले चाक को भी हम सेम उसी तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर हम कपड़े को फोल्ड कर करके सिलाई लगाते जाएंगे तो हमारा चाक बिल्कुल फ्रेश आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खिंचाव आने पर भी ये गोलाई में घूम जाता है और देखने में बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता। ये देखने में बहुत बुरा लगता है, इसलिए हम पीछे वाले चाक को जब इस तरह से हम उल्टी साइड सिलाई लगाएंगे तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर पकड़ के ही सिलाई लगाएंगे तो हमारा चाक बिल्कुल सही होगा। और आगे का चाक हमने जिस तरह से फोल्ड किया है वो उसी तरह से फोल्ड करेंगे तो वो उस तरह से सही आएगा। तो इसलिए आपको चाक की सिलाई करते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। अब देखिए हमारे चाक की सिलाई बिल्कुल सही है। अब हम सीधी साइड करके इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे, लेकिन सीधी साइड सिलाई लगाने के लिए हम कुर्ती की भी सीधी साइड करेंगे। इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारी ऊपर की सिलाई बिल्कुल भी फ्रेश नहीं आएगी। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे और कपड़े को थोड़ा लूज़ ही रखेंगे इस तरह से, और पीछे तो हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नहीं तो हमारी कुर्ती इस तरह से घूम जाएगी। इसलिए हमें इस दूसरी सिलाई को बहुत ध्यान देते हुए इस तरह से लगाना पड़ता है। अब यहाँ से दूसरी साइड की सिलाई हम लगाएंगे। इधर भी हम सेम उसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे बहुत ध्यान देते हुए, हमें कपड़े को एकदम नहीं खींचना है। तो इस तरह से हमारे चाक की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से हम अपने दोनों चाक को इस तरह से देख लेंगे कि कोई भी छोटा बड़ा ना हो, हमें उसका भी ध्यान देना होता है। अब यहाँ से अक्सर हमारी कुर्ती का चाक जो है पहनने में और निकालने में फट जाता है, ये बहुत बुरा लगता है और अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि यहाँ से हमारा कपड़ा फट जाता है और इसको सिलाई करते रहो लेकिन ये बार बार फट जाता है। तो उसका हल निकालने के लिए ये हमने एक कपड़ा लिया है। ये कपड़ा आप थोड़ा सा बड़ा और छोटा जितनी भी साइज़ का आप चाहें ले सकती हैं, लेकिन इस कपड़े को हम बहुत छोटा लगाएंगे ताकि हमारे चाक की सिलाई तक ही ये सीमित रहे, इसके बाहर ना निकले। नहीं तो बाहर निकलने में भी सिलाई जो दिखती है वो बहुत बुरी लगती है, इसलिए हमने इतना बड़ा कपड़ा लिया है। आप इस कपड़े को बड़ा भी रख सकती हैं। तो इस तरह से हमने एक पोटली की तरह इस तरह से बना लिया है। देखिए इस तरह से हमने चौकोर पीस बना लिए इसको चारों तरफ से फोल्ड करके। अब हम चाक की उल्टी साइड करेंगे, यानी कि कुर्ती की उल्टी साइड करेंगे और यहाँ चाक की जो सिलाई है यानी कि जो हमारा दोनों चाक जहाँ से अलग हुआ है हम सेम वहीं पे यहीं से हम कपड़े को रखेंगे और बहुत ध्यान से इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। इसे घुमा घुमा करके हम चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसको चारों तरफ से सिलाई कर ली है। अब आप इसको करीब से देखिए, देखने में भी बुरा नहीं लगेगा और आपका चाक भी नहीं फटेगा। चाहे आपके उठने बैठने में ज़ोर पड़े या कहीं भी आपका कोई भी पार्ट दब जाए, खिंचाव लेने से ये फटेगा नहीं।
और देखने में भी बुरा नहीं लगता है। देखिए हमने इस साइड भी वही सेम उसी तरह से कपड़े को लगा लिया है, यानी कि दोनों साइड हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी कुर्ती की चाक का है फाइनल लुक, जो कि देखने में भी बुरा नहीं लग रहा है और हमारी कुर्ती की सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये हमारी कुर्ती की फटी हुई साइड है जो कि देखने में बहुत बुरी लग रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।